नमस्कार दोस्तों। तो अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ और कहां पर इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इन्वेंट किया गया था डॉक्टर डेविड वेन के द्वारा। तो ये क्यों हुआ, बेसिकली जब ये 9 साल के थे तब इनके पिताजी की डेथ हो गई, किसमें, एरोप्लेन क्रैश में। तो फिर जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसी डिवाइस बनाई जाए ताकि पता हो सके कि एरोप्लेन क्यों क्रैश हुआ और कहां कैसे क्रैश हुआ। मतलब कि वो एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो एक इंफॉर्मेटिव, वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए उस प्लेन क्रैश के बारे में। तो फिर इन्होंने किया क्या कि एक डिवाइस इन्वेंट की जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज और बताऊंगा कि 2 पोर्ट डिवाइस होती है ब्लैक बॉक्स, यानी कि 2 नेटवर्क से बन के मिली होती है, यानी कि 2 पोर्ट्स इसमें होते हैं। अब 2 पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, 2 पोर्ट्स आपके, एक पोर्ट जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं FDR, यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और इसी का दूसरा जो पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, CVR। CVR का मतलब है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब ये बात करेंगे कि आखिर ये FDR और CVR करते क्या है, 2 पोर्ट्स हैं अलग अलग, तो इनका काम क्या है। काम ये है कि आपका जो FDR है यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये करता क्या है कि आपके एरोप्लेन एयर स्पीड को, आपका एल्टीट्यूड, फ्यूल का जो फ्लो है और वर्टिकल एक्सीलरेशन, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी वो कंटेन करेगा क्या आपका FDR। ठीक है, FDR का पोर्शन जो कि कहा होगा ब्लैक बॉक्स का। ये ब्लैक बॉक्स की हम 2 पार्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 पोर्ट डिवाइस है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है इसको बोलते हैं CVR। CVR का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये बेसिक करता क्या है कि आपका जो एरोप्लेन है उसमें जो कन्वर्सेशन होती है उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। अब अगर मैं वॉइस की रिकॉर्डिंग की बात करता हूं तो बेसिकली इस डिवाइस की कुछ स्ट्रेंथ होगी कि कितना डेटा ये स्टोर कर सकता है। तो बेसिक कहते हैं जो इसकी बनाई गई है कि ये जो लास्ट 2 आवर्स हैं उनका क्या कर सकता है, कन्वर्सेशन, उनकी जो वॉइस है उसको क्या कर सकता है, स्टोर करता है आपका क्या, CVR, यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। अब जो मैंने एक पॉइंट लास्ट में लिख रखा है वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है इसका कलर क्या है। इसका नाम तो आप देख रहे हैं कि है ब्लैक बॉक्स, लेकिन इसका कलर ब्लैक नहीं है। इसका कलर ब्लैक ना होकर के, ब्लैक ना होकर के क्या है, ऑरेंज। अब ये ऑरेंज हमने क्यों चूज किया, ऑरेंज भी चूज करने के पीछे एक फैक्ट ये है कि जब आपका एरोप्लेन क्रैश हुआ तो सबसे पहली चीज हम क्या ढूंढते हैं, ब्लैक बॉक्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ब्लैक बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है कि ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं तो क्या रीजन था जिससे क्रैश हुआ होगा। ठीक है, तो वो हमें अगर फाइंड करनी है तो पहली चीज हमें ब्लैक बॉक्स फाइंड करना होगा। तो ब्लैक, अगर हमारे पास ऑरेंज कलर का ब्लैक बॉक्स है यानी कि इसको हमें फाइंड आउट करना आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आंखों के लिए सेंसिटिव होगा तो हमें आसानी से ये मिल जाएगा, इसलिए इसका कलर क्या करते हैं, ऑरेंज रखते हैं। ये ब्लैक बॉक्स नाम है लेकिन ब्लैक नहीं होता है। तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज कहेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स, यानी पढ़ते तो हम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन जो आपके मतलब अच्छे लोग हैं या जो बड़े लोग हैं, जो मतलब साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट लोग जब बात करेंगे तो ब्लैक बॉक्स की बात नहीं करेंगे, वो किसकी बात कर रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है एक ही चीज, बट इसको एक थोड़ा मतलब अच्छे सेंस में कह रहे हैं या थोड़ा हाई लेवल पे अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं, है ये ब्लैक बॉक्स का ही दूसरा नाम। ठीक है, अब इसके बाद में चौथा जो मेरे पास एक पॉइंट है कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। कहने का मतलब ये है कि इस ब्लैक बॉक्स को क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जो कि एक मिथ है, क्योंकि कोई भी मैन मेड डिवाइस है वो ऐसी नहीं है कि जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सारी मैन मेड डिवाइसेस जितनी भी हैं वो डिस्ट्रॉयबल होती हैं। तो अगर हम इसको बात करेंगे कि डिस्ट्रॉय अगर नहीं हो सकती है, इसको साइंटिस्ट ने ट्राई किया था इसको डिस्ट्रॉय करने का, क्या ट्राई किया था कि 1100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशराइज्ड सॉल्ट वाटर टैंक में इसको डिस्ट्रॉय किया गया था लगभग 1 घंटे के लिए, तब जाके डिस्ट्रॉय हुआ। और दूसरी चीज कि ये डिस्ट्रॉय तो
हो सकता है, बाकी इसके पार्ट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, एक चीज है जो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, CSMU। अब CSMU यहाँ पे क्या है, CSMU है क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट, जो आपकी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसमें होती है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फुल फॉर्म अगर मैं लिख दूं आपका, क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये चीज हो गई, इसको हम बोलते हैं CSMU जो डिस्ट्रॉयबल नहीं। तो यही जब आपका प्लेन क्रैश होगा तो यही आपके पास एक यूनिट है, ये यूनिट आपकी बची रहेगी, यानी कि क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट की आपकी बची रहती है, ठीक है। अब देखेंगे कि आखिर हम इसको बना कैसे रहे हैं, मटेरियल कौन सा चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मटेरियल की बात करूंगा तो मैं टाइटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है इसके कंस्ट्रक्शन में। अब एक क्वेश्चन और होता है कि अगर टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का यूज कर रहे हैं और ये क्या कह रहा है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, तो इजी से प्लेन क्यों नहीं बना देते, लेकिन प्लेन इससे नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपका जो टाइटेनियम है, क्योंकि प्लेन हमारा किससे बना होता है, एल्युमिनियम से, यानी प्लेन के साथ में दो चीजें चाहिए होती है, मटेरियल क्या होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए और हल्का भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें ये कहने ये मटेरियल फुलफिल नहीं करता, इसलिए इससे प्लेन को नहीं कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो गई। हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब इसकी जो हम ब्लैक बॉक्स था हमारा, इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो अगर मैं 3400 GBP प्रेशर अप्लाई कर दूं तब भी क्या होता है कि खराब नहीं होता है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इतना प्रेशर अप्लाई करने पर भी, ठीक है। अब तो यहाँ पे लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो ये था बेसिक हमारा ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।